यहाँ पर जितने भी ज्यादा बारिश क्यों ना हो, बारिश में भी ऐसे यहाँ पर आग रहता है। आप लोग कभी भी अगर मन करे तो आ सकते हो यहाँ पर जो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर कच्चू। दोस्तों, बराक वैली में सबसे ज्यादा चर्चित में रहने वाला अभी जो जगह है वो आज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक मिरापिंग की एक मतलब अचानक से आग उठती है पत्थर की मिडिल से, तो वो दिखाएंगे आप लोग। वो एक दरगाह पे जा रहे हैं जो कि आग की दरगाह उसे कहते हैं। उस आग के बहुत 800 साल पुराना वो दरगाह है, वो आप लोगों को आज दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और मेरे बहन का स्कूटी आज लेके आया, तो आज बहुत घूमेंगे और आपको पूरे दरगाह के बारे में आपको दिखाएंगे और पूरे दरगाह की सिनेमेटिक शॉट्स दिखाएंगे। साथ में पाचकम की जो पहाड़ है वो पहाड़ भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आप लोग वीडियो की एंड तक बने रहना। दोस्तों अभी यहाँ से पेट्रोल ले लेते और बाद में पहले स्कूटी का पेट भरा लेते, बाद में हमारा भी पेट भरा लेंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके गमन ब्रिज के नीचे। यह देख सकते हैं ये ब्रिटिश का बना हुआ बहुत पुराना गमन ब्रिज जो कि ब्राक नदी के ऊपर है। तो इसका एक अलग ब्लॉग होगा, आप लोग को वो भी देख लेना, इस हफ्ते में ही आएगा उसका एक अलग वीडियो। यहाँ से जो कचर की जो काटीगरा एरिया है और यहाँ पर मेला भी होता है तो वहाँ जाएंगे, उसका भी एक अलग वीडियो होगा, आप लोग देख लेना। तो अभी जाते हैं सामने उस दरगाह पर जो अजीब दरगाह बहुत पहचान है। और साथ में ये लोग आए हैं, देख सकते हो ये कैमरामैन की फ्रेंड, साथ में ये डीएसएलआर लेके आए हैं, तो बहुत फोटो खींचेंगे आज। हेलो गाइस, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हाईवे से पूरे पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये पचगाम की पहाड़ है और पास में ये जो मेल है ये पेपर मेल है जो कि अभी बंद है। बचपन में हम नानू के घर इसलिए भी आना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ से पेपर मेल और ये पूरा पहाड़ दिखाई देता है और सबको पता है मुझे कितना पसंद है पहाड़। तो दोस्तों अभी हम जो दरगाह की जो रास्ता है हाईवे से, उसी रास्ते पर हम आ चुके हैं। अभी इस रास्ते से जाएंगे। पहले ये रास्ता बहुत ख़राब था लेकिन शुक्रिया अभी ये रास्ता बहुत अच्छा हो गया है। और पहले बहुत मैंने ये एक्चुअली इस जो दरगाह है यहाँ पर मैंने पहले भी 4-5 बार आ चुका हूँ ऐसे ही देखने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं और उनका मानना है कि बहुत कास्ट के बहुत धर्म के लोग आते हैं, उनका मानना है कि अगर यहाँ पर आएंगे तो मतलब उनका मनोकामना पूरा होता है। पर मेरा कोई मनोकामना था ही नहीं कभी, जो था वो तो मतलब औकात से बाहर था इसलिए। और पर हमने ऐसे ही मैं आया था यहाँ पर बहुत बार ऐसे ही देखने के लिए आग। तो अभी इस रास्ते से हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ब्रिज देख सकते हैं। ये पहले ये जो ब्रिज था ये ऊंट का मतलब लकड़ी का बना हुआ था, अभी यहाँ पर मतलब बना हुआ है पर पक्का का हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकाम का जो रास्ता है और ये जो रिवर है ये दलेश्वर रिवर है, ये दलेश्वर रिवर के ऊपर से ये रास्ता, ये रिवर देख सकते हैं। और ये मुकाम है, यहाँ पर ये दरगाह है, वो जो दरगाह देख रहे हो आप लोग यहाँ पर वही दरगाह है। अभी हम अंदर घुसेंगे, अभी यहाँ से रास्ता है। हाँ लेकिन स्कूटी नहीं जाएगा यहाँ पर शायद।
दोस्तों, यहाँ पर आप दो दुकान देख सकते हैं, और भी दुकान है। तो जो भी बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ से कुछ लेते हैं सीढ़ी के लिए, वहाँ पर देने के लिए, और जो सेल वगैरह होते हैं जो दरगाह पे आने के लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ता है इस दोनों दुकान में है। ये जो रिवार आप देखते हैं, ये रिवार जलेश्वर रिवार है जो बरैक से मिलता है। और अभी हम आ चुके हैं मेन जगह पर। यहाँ पर हर थर्सडे को बिरयानी दी जाती है, बहुत सारे मतलब सीनियर बहुत सारे लोग आते हैं। हर थर्सडे को ज़्यादा लोग आते हैं, ऐसे तो हमेशा लोग आते हैं हर धर्म की, पर थर्सडे को ज़्यादा लोग आते हैं। तो वहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेक पर मतलब बिरयानी बनता है, और तो बिरयानी लोग खाते हैं। और बहुत लोग जो अपने मनोकामना पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो बहुत कुछ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर बनाया जाता है। अब जो यहाँ पर बैठने की भी जगह है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भी एक पार्ट है, लेकर यहाँ पर आकर मतलब कैंडल जलाते हैं। और हम इधर देंगे, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, पाजगम की पहाड़ है, यहाँ से मतलब पहाड़ से रास्ता बनाया, हालांकि ये रास्ता बन गया, पहले ये रास्ता नहीं था, बस जंगल था। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो पैसा यहाँ पर लग चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं गेट जो बना हुआ है बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब पूरा एक सिनेमेटिक व्यू आप देख लीजिए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा धूप है तो गर्मी लग रही है, यहाँ पर मुँह को थोड़ा धो लेते हैं। तो दोस्तों असली जो जगह है जहाँ पर आग उगती है पत्ते के, वहाँ अब हम जा रहे हैं। यहाँ से पहाड़ के होते होते हम जाएंगे, आप देख सकते हैं छोटा रास्ता है, और वहाँ जाएंगे। उस वहाँ पर और भी ऊपर एक जगह है जहाँ पर लोग इबादत करते हैं, वो भी पूरे 500 सीढ़ियाँ हैं, वो भी हम पूरे उठेंगे और ऊपर जाएंगे और बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, पहले ऐसे ही था, बहुत डर लगता था, लेकिन अभी यह पक्का का हो गया, ये आप देख सकते हैं पक्का का रास्ता हो गया है। दोस्तों ये जो रास्ता है बहुत छोटा, आप देख सकते हैं, और बहुत डेंजर रास्ता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब अगर गिर भी जा सकते हैं तो मतलब बहुत होशियारी के साथ जाना पड़ेगा। तो ये बता दूँ, ये जो मतलब दरगाह है, इसी दरगाह पर जो आग उगती है वो सिर्फ ठीक इसी तरह, और भी एक मंदिर है वहाँ पड़ोस में, वो उसका भी एक अलग वीडियो आएगा, वहाँ भी हम जाएंगे तो उसका एक अलग वीडियो आएगा, इस हफ्ते में के अंदर ही आ जाएगा, आप लोग देख लेना, मेरे चैनल को देखते रहना। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि डिस्कवरी चैनल की तरह हम आ चुके हैं बहुत अंदर, जहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हम सिर्फ अकेले हैं, मैं और कैमरामैन, और हमें कुछ खाने के लिए। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम असली जगह पर जहाँ पर आग दिखाई देता है, तो और थोड़ा सीढ़ी बाकी है, वहाँ पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक मंकी को भी आप देख सकते हो, वो देखो एक मंकी भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक क्यूट सा मंकी है, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम, मेरा जो कैमरामैन है जकरिया, वो DSLR से क्यूट सा मंकी की पिक्स ले रहे हैं, वो फोटोज भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो असली जगह है आग उगने की, वहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर चप्पल, एक्चुअली चप्पल को यहाँ पर रखने को बोला है, तो चप्पल यहाँ पर रख कर हम जाएंगे और उस जगह को आप लोगों को दिखाएंगे। और जो जो वीडियो देख रहे हो उन लोगों का भी किस्मत का बारे में पता कर सकते हो आप लोग, अगर आग देखो तो आग जल रही है। हाँ आग जल रही है तो दिखाई दे रहा है, चलो अंदर जाते, तो फिर हमारा किस्मत अच्छा है ना। हाँ किस्मत तो उठा ना लगा। ये बंदर बहुत सारे हैं इधर, ये देखो बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, ये भी है, ये हेलो। ओ इसको तो मैंने देखा ही नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने सारे पत्थर है उस पत्थर के अंदर से ऐसे ही आग निकलता है और यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं या फिर जो भी लोग आते हैं दूसरे धर्म के भी वो कोई मन्नत मांगते हैं तो यहाँ पर आते आकर मन्नत मांगते हैं। बहुत मैंने 5 बार आया था, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यहाँ पर आते हैं, उन लोगों का मतलब जिस जगह मतलब बॉडी की जिस पार्ट पर बीमार है तो यहाँ से आग लेते हैं और पार्ट को ऐसे करते हैं, तो उनको मानना है कि यहाँ आके आग से उनको शिफा मिलती है। बहुत लोगों से मैंने बात भी की तो बहुत लोगों ने बोला कि मतलब यहाँ आराम मिलता है उन लोगों को, तो हम भी आए हैं यहाँ पर ये देखने के लिए। दोस्तों यहाँ की और एक खासियत आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जितने भी ज़्यादा बारिश क्यों ना हो बारिश में भी ऐसे यहाँ पर आग रहता है। आप लोग कभी भी अगर मन करे तो आ सकते हो। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अभी बन चुका है, एक स्कीम आया था तो यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बन गया है, पहले ऐसा नहीं था हम जब आए थे, तो आप आ सकते हैं और यहाँ की देख सकते हैं ये अजीब चीज़। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हमने आग दिखा दिया, अभी ऊपर रजा पर जाते हैं, बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं, चलो आप लोगों को गिनते रहना कि कितना सीढ़ियाँ के ऊपर हम जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ मतलब यहाँ पर जब पत्थर के नीचे से आग है तो बहुत लोगों को मतलब ये भी लगता है साइंटिफिकली कि यहाँ के नीचे शायद कोयल है या फिर यहाँ के नीचे मतलब तेल है। तो एक मतलब एक कहावत है या सच में वो पता नहीं, बचपन में मतलब इसके बारे में मैंने जब पूछा था तो मेरे जो मामा है वो मामा ने बोला था कि वहाँ पर बहुत पहले मतलब ऐसे ही गवर्नमेंट के या फिर कुछ कंपनी के शायद लोग आए थे तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ मशीनरी चीज़ मतलब लगाए थे कि यहाँ से अंदर से तेल निकलेगा या फिर कॉल। तो बाद में 3 दिन या फिर 4 दिन यहाँ पर इसे रखने के बाद वो लोग अचानक से आए और सारे मशीन लेकर चले गए और बाद में ऐसे मतलब यहाँ पर मतलब सॉरी बोल के कुछ सिरने किए गए थे। तो पता नहीं उन लोगों का मतलब मानना है ये बात कहावत है या सच वो भी मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसे टूरिस्ट प्लेस की तरह अच्छा लगता है इसलिए मैं आता हूँ देखने। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं तो अभी ऊपर देख सकते हैं कितना ऊपर जाना है हमें। तो अफजल चच्चू आप यहाँ पर पहले बार आए हैं या फिर मेरे साथ पहली बार? पहली बार आया हूँ, पहले हफ्ते पर। वाओ, और ओके वेलकम। और थकान कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। हेलो, एडवेंचर फील हो रहा है, पता वाइल्ड लाइफ फील हो रहा है? हाँ पता है। तो अभी 201 दोस्तों चलते हैं ऊपर, आप लोगों को दिखाते हैं। कैमरा मैन इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी उसका कोई नाम ही नहीं बेटा। छोटे छोटे बच्चा है, मैं तो मुझे नीचे जाना है क्या? वाओ, ये छोटे छोटे बच्चे वहां से कितना ऊपर आए, मुझे तो नीचे देखते ही डर लग रहा है। चलो ये दम बंद हो रहा है भाई मेरा। बहुत लोगों का मानना है कि भाई तू ये कर नहीं सकता वो कर नहीं सकता मतलब हैंडीकैप होने के नाते, पर उन लोगों को पता नहीं हम कर सकते। कितने जगह पर घूम चुका हूँ वैसे और भी ज्यादा डेंजरस प्लेसेस है वहां पर भी मैं घूम चुका हूँ, वो शुक्रिया उस खुदा का जिसने मुझे इतना ताकत दी। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा सुकून मिला, एक पहाड़ पूरे ऊपर आ गया। अभी यहाँ से आप देख सकते हो पूरे मतलब सिलचर के पूरे एरिया यहाँ पर देख सकते हो, और पीछे भी एक पहाड़ है, पीछे भी एक पहाड़ है यहाँ पर देखो, यहाँ और भी एक पहाड़ है।
तो दोस्तों आप देख सकते वहाँ से नीचे से हम आए थे, अभी हमें लगा है कि यहाँ पर ही खत्म हो गया, नहीं यहाँ पर सब खत्म, यहाँ पर रोशनी दिखाई दे रहा है यही काफी है कि आसमान के नीचे तो हम है, ये मतलब देखो सुकून मिल रहा है, पर अभी और भी ऊपर जाना है और कितना पसीना आ रहा है आप देख सकते हो। तो चलिए चलते है, चलिए यहाँ पर सारे लोग थक चुके हैं, लेकिन मेरा जो कैमरा मैन है उनको लग रहा है कि और भी हजार सीढ़ियाँ हो तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जा सकते। चलो चलो चलो। तो दोस्तों ये सीरियल देखकर मुझे याद आया कि चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख दीपिका को लेकर ऊपर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम खुद ही नहीं उठ पा रहे इतने अच्छे से, और दीपिका को लेकर कैसे उठेंगे। फिर भी अगर नसीब में एक दीपिका होती तो ये 500 सीरियल तो काम है, हम तो हजार सीरियल से ऊपर जा सकते हैं उनके मन्नत के लिए। वो दोस्तों मैं आप लोगों को एक अच्छा मतलब एक इतना खूबसूरत चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप देखोगे तो बहुत खुश होगे, और कमेंट में बताइए ये सिनेरियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर देखिए यहाँ से वो सिनेरियो, इतना गजब दोस्तों। फाइनली पूरे ऊपर आ चुके हैं हम यहाँ पर का, और यहाँ से देख सकते हो पूरे हाईवे दिखाई दे रहा है, पूरे पांचगाम की पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, और हम पेपर मिल के पूरे ऊपर है, यहाँ पर नीचे हमारे नीचे पेपर मिल है। लोग आते थे तो वहाँ पर जो फिर रहते थे वो यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, तो लोग भी यहाँ पर सिर्फ मेन ही आते हैं यहाँ पर, और ऊपर आकर यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं बहुत लोग। आपको पानी पी तो यहाँ पर बहुत सारे रोमियो जूलियट आए हैं, और यहाँ पर पत्थर पे अपने प्यार का निशान चोर कर गए हैं, हमें दिखाई देखकर पता चलता है। तो अगर वो रोमियो और जूलियट अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का रिलेशन कैसा है अभी। पहाड़ के ऊपर है, इस पहाड़ का नाम है मुकाम टीला, मतलब इस दरगाह के नाम से रखा गया है। तो बहुत लोग यहाँ से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप लोगों में भी अगर कोई मतलब दरगाह को मानते हो या फिर कोई मन्नत है तो फिर आ सकते हो, और ज़्यादातर यहाँ पर तो ज़्यादा रोमांटिक पीपल ही आ रहे हैं शायद, यहाँ पर सारे पत्थर पर मेरे जैसा मजनू लोग आए हैं शायद, यहाँ पर A+B+S पता नहीं कुछ भी लिख कर चले गए, पर हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है हम जो मांग लेते हैं वो नहीं मिलता, बिना मांगने से ही सब कुछ मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जितना सीरी के ऊपर आए उतना सीरी के नीचे जाना है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और कैसा लगा ये भी आप बताओ, और अगर आप फेसबुक पर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब में जाकर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।